गुड इवनिंग एवरीवन, जस्ट वेट फॉर अगेन 2-3 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो पेंडिंग्स टॉपिक है वो टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, जिसमें पैकेट ट्रेसर, इसका प्रैक्टिकल्स, डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G, PSTN, GSM आर्किटेक्चर, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, सब मीटिंग्स। तो ये कुछ हमारे अभी तक पेंडिंग टॉपिक्स हैं। देन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो हाफ डुप्लेक्स, जिसको हम कहेंगे वन वे ट्रांसमिशन या फिर वन वे कम्युनिकेशन, डेटा जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये एक्चुअली वन वे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ए अगर ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है टू कंप्यूटर बी, तो उस टाइम कंप्यूटर बी ये हो जाएगा रिसीवर एंड ये सेंडर।
कंप्यूटर ए ये डेटा सेंड कर रहा है कंप्यूटर बी को, तो उस टाइम कंप्यूटर बी ये डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, तो कंप्यूटर ए यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे सेम टाइम एक ही प्रोसेस होगी एंड उसको हम कहेंगे वन वे कम्युनिकेशन। तो हाफ डुप्लेक्स मीन्स वन वे कम्युनिकेशन। डेटा जो ट्रांसफर होगा वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, बट उस टाइम कंप्यूटर्स जो रहेंगे उनकी एक ही प्रोसेस रहेगी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए सेंड कर रहा है तो वो सेंडर का काम करेगा एंड कंप्यूटर बी ये रिसीविंग का काम करेगा। तो सेम टाइम कंप्यूटर बी जो है वो डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके एक ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हुआ है डेटा रिसीविंग की। जब ये प्रोसेस स्टॉप होगी डेटा सेंडिंग की, देन उस टाइम ये इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा, सेंडर कंप्यूटर बी सेंडर हो जाएगा एंड रिसीवर कंप्यूटर ए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, और इसका जो सिंबल है वो है ये। फुल डुप्लेक्स इसके अपोजिट काम करेगा, इसका जो सिंबल रहेगा फुल डुप्लेक्स का, इस टाइप का सिंबल रहेगा, एंड इसको हम कहेंगे टू वे कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर ये एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सेम टाइम। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई एक अगर प्रोसेस हो रही है किसी की डेटा सेंडिंग की तो वो रिसीव नहीं करेगा, किसी की रिसीविंग की प्रोसेस हो रही है तो डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे अभी दोनों एक दूसरे को सेम टाइम डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फुल डुप्लेक्स। तो जनरली हाफ डुप्लेक्स में जो डिवाइस आता है वो है हब, सिर्फ यही एक डिवाइस आता है, एंड फुल डुप्लेक्स इसमें बाकी के डिवाइसेस। ये सारे डिवाइस फुल डुप्लेक्स में आएंगे। दूसरा अगर एग्जांपल देखना है तो जस्ट लाइक रोड से, रोड जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ वन वे होते हैं कुछ टू वेज होते हैं, मतलब जहाँ से आने वाले व्हीकल्स रहेंगे एंड जाने वाले भी, तो इसे हम कहेंगे टू वे क्योंकि नॉर्मल रोड होते हैं। बट कुछ ऐसे भी रहेंगे जिसमें वन वे रोड होगा, ये एक तो आने वाले से व्हीकल्स रहेंगे या फिर जाने वाले, तो उसे हम कहेंगे हाफ डुप्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल ये वन वे है, तो एक तो ए साइड टू बी साइड ये व्हीकल जाने वाले रहेंगे या फिर बी साइड टू ए साइड ये आने वाले रहेंगे। तो जो वन वे होता है वन वे रोड वो एज अ काम कर रहे हैं हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वो हम देख सकते हैं। सेकंड हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किया था वॉकी टॉकी का, तो वॉकी टॉकी जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। तो जैसे यहाँ पे हैंडसेट वन इसकी प्रोसेस शुरू है डेटा सेंडिंग की, वो डेटा सेंड कर रहा है हैंडसेट टू को, सेम टाइम हैंडसेट टू ये डेटा सेंड नहीं कर पाएगा हैंडसेट वन को, मतलब ये क्या है लिसनिंग मोड पे है। तो जब इसकी डेटा सेंडिंग की प्रोसेस स्टॉप होगी तब ये इसको डेटा पास कर सकता है हैंडसेट टू। तो जैसे यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है कि हैंडसेट वन ये कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है हैंडसेट टू को, टू के साथ एंड मतलब डेटा सेंड कर रहा है,
तो जैसे इसके प्रोसेस स्टॉप होगी, मतलब इसका अभी बोलना बंद होगा, तो वो वहाँ पे वर्ड यूज करेगा और। और मीन्स क्या कि अभी हैंडसेट टू को कुछ बोलना है तो वो बात कर सकता है। देन हैंडसेट टू बोलना स्टार्ट होगा तो उसके सिग्नल इसको रिसीव होंगे हैंडसेट वन को। सेम टाइम हैंडसेट वन अगर कुछ बात करने की कोशिश करेगा, सिग्नल ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पे रिसीव नहीं होंगे इसकी, बिकॉज इसकी ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू है। तो जैसे ये प्रोसेस स्टॉप होगी देन अगेन वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए ये जब डिवाइसेस यूज होते हैं तो यहाँ पे वर्ड यूज किए जाते हैं ओवर एंड आउट, इस टाइप के डिवाइस। अभी सपोज इस डिवाइसेस को जो भी यूजर है उसको बताना है कि मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है, मेरी बात खत्म हो गई, तो ये ओवर बताएगा। एंड जो सेकंड यूजर है इसकी बात वो कंटिन्यू करेगा। अभी इसकी बात खत्म होने के बाद इसको अभी कहना है कि हम कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ओवर एंड आउट ये वर्ड यूज होता है। तो ये जो कोड वर्ड है ये हम यहाँ पे ही यूज करते हैं। अभी फोन पे हम ये कोड वर्ड यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मीन्स क्या, दोनों डिवाइस एक दूसरे को सेम टाइम डेटा भेज सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गए। थर्ड डिवाइस है उनको भी हम कॉन्फ्रेंस लेके उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारे फुल डुप्लेक्स है। जो मोबाइल फोन का एग्जाम्पल है वो है फुल डुप्लेक्स, एंड वॉकी टॉकी जो है वो है हाफ डुप्लेक्स। इसमें एक और आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब जैसे सर्वर है या फिर कोई सिस्टम है, एंड ये है सेंडर, एंड ये मॉनिटर जो है वो रिसीवर। तो रिसीवर हमेशा रिसीवर ही रहेगा, सेंडर हमेशा सेंडर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंडर हमेशा सेंडर का ही काम करेगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर का ही काम करेगा। मॉनिटर से हम कभी सिग्नल सीपीयू की तरफ ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसका एक ही काम है, जो भी इसको इनपुट मिल रहा है फ्रॉम सीपीयू ये हमें एज आउटपुट दिखाता है, चाहे वो प्रिंटर हो। प्रिंटर्स के थ्रू आप कोई स्कैनिंग वगैरह या फिर उसके थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के अंदर नहीं डाल सकते। अगर उसमें स्कैनिंग के फीचर्स है तो पॉसिबल है, बट स्कैनिंग के फीचर नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं। उसका एक ही काम रहेगा प्रिंटिंग प्रोवाइड करना, इसका एक ही काम है, जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो हमें एज आउटपुट दिखाएगा। तो मॉनिटर के थ्रू हम कोई सिग्नल्स, कोई डेटा या फिर कोई मैसेज कंप्यूटर की तरफ सेंड नहीं करते। यहाँ पे सेंडर हमेशा सेंडर का ही काम करेगा, रिसीवर रिसीवर का ही काम करेगा। तो उसको हम कहते हैं सिम्प्लेक्स। तो ऐसे टोटल तीन मोड्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के, सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का एक और एग्जांपल है जैसे कि सैटेलाइट्स होता है। सैटेलाइट्स ये डेटा सेंडिंग का काम करेंगे, और जो डिश वगैरह होती है ये डेटा रिसीविंग का काम करेंगे। तो जो भी सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू मिल रहे हैं ये डिश उसको कैच करेगा, एंड जो भी इसके रिलेटेड डिवाइसेस है उनको वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो डेटा सेंडिंग का काम कर रहा है, वो कभी डेटा रिसीव नहीं करेगा फ्रॉम दिस डिश। तो ये एज अ सेंडर काम करेगा एंड ये डिवाइस रिसीवर के जैसा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंप्लेक्स। यहाँ पे कभी रिसीवर सेंडर नहीं होगा और सेंडर रिसीवर नहीं होगा। दोनों डिवाइसेस की पोजीशंस या वर्किंग मैकेनिज्म वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट सर इन द इस एग्जांपल में जो रिसीवर है वो सेंडर एक बार फिर से रिपीट करो, आवाज ब्रेक हो रही थी। इस एग्जांपल में जो रिसीवर है वो सेंडर का भी काम करता है ना। सेंडर अभी किसको काम कर रहा है, वो सेंड कर रहा है आपके एंड डिवाइसेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर्स को, राइट। तो ये अगर इसको डायरेक्टली जो हमारा ये डिवाइस है सैटेलाइट, सैटेलाइट को अगर सिग्नल फॉरवर्ड कर रहा है तो उस टाइम उसको हम कहेंगे सेंडर। नहीं सर, जो रिसीवर है वो आगे भी जो उसको यस यस, सिग्नल आगे है वो फॉरवर्ड करता है ना आगे। आगे कर रहा है, यहाँ पे इनको कर रहा है। जो फॉर एग्जांपल ये हाँ सपोज टीवी है, ठीक है,
तो इस टीवी को कर रहे हैं, करेक्ट, हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं। ये सारे ओके सर, डिवाइसेस मान लो टीवी है, हम जो बात कर रहे हैं सेंडर एंड रिसीवर की पोजीशन चेंज होने की। अभी इनके लिए ये सेंडर है, इन टीवीज के लिए, राइट, ये एज अ मॉनिटर है, राइट, तो इनके लिए हो रहा है। बट जो सैटेलाइट है, बिटवीन सैटेलाइट एंड जो डिश रहेगी, इसके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंडर हमेशा सेंडर ही रहेगा, मतलब सैटेलाइट हमेशा सेंडिंग का ही काम करेगा, एंड ये जो डिश है ये सिर्फ रिसीविंग का ही काम करेगा। अभी फिलहाल में ये जो है स्क्रीन में से आप इतना पिक्चर्स स्किप कर दो, मतलब ओवरऑल जो एग्जांपल्स है वो सपोज इस टाइप का रहेगा। सिर्फ दो डिवाइसेस है, एक है सैटेलाइट एंड एक है डिश। तो अभी इसमें जो सैटेलाइट है वो सेंडिंग का ही काम करेगा एंड ये रिसीविंग का ही काम करेगा, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, राइट। तो जैसे सर्वर्स में भी हमने देखा, सर्वर प्रिंटर का, सर्वर मॉनिटर का, तो इस टाइप का ये एग्जांपल है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं हमें, डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स, तो उस टाइम आपको ये एक्सप्लेन करना है, वन वे कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पे सेंडर जो है वो डेटा सेंडिंग करेगा, सेम टाइम रिसीवर उसको डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। फुल डुप्लेक्स इसके अपोजिट रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। एंड इसके डिवाइसेस के जो एग्जांपल्स है, जैसे इसमें हमने देखा हाफ डुप्लेक्स में हब एंड वॉकी टॉकी, ये डिवाइसेस है। फुल डुप्लेक्स में जो डिवाइसेस काम करेंगे, जस्ट मोबाइल फोन, या फिर हम आगे के जो भी डिवाइसेस है, स्विच, राउटर, हब, फायरवॉल, ये सारे एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स रिलेटेड अभी फिलहाल में हम हमारे नेटवर्क में कोई डिवाइस यूज़ नहीं करते, बिकॉज हब था वो भी आउटडेटेड हो चुका है। तो जो भी डिवाइसेस हम अभी फिलहाल में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। तो इसमें और कुछ क्वेश्चंस है किसी को? अभी इसके ऊपर और क्वेश्चंस रेज होंगे, नेक्स्ट लेवल जो रहेगी वो डिवाइसेस के रहेंगे, कि जैसे हमने कहा कि हब जो है हब डुप्लेक्स है, स्विच जो है फुल डुप्लेक्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वगैरह, कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, हब लेयर फर्स्ट पे काम करते हैं और स्विच सेकंड लेयर पे काम करते हैं। राइट, बट कौन सी फर्स्ट एंड कौन सी सेकंड, बिकॉज डेटा अगर काउंटिंग करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट भी आएगी, राइट। लिंक लेयर सर, डेटा लिंक पे कौन काम करेगा? सो एल टू स्विच, ओके, एंड हाउ फिजिकल अब फिजिकल लेयर। लेयर, राइट। तो दोनों में से अभी कौन सा डिवाइस स्मार्टली काम करता है, हब और स्विच? सर स्विच काम करेगा, स्विच, स्विच बिकॉज हब में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसमें क्या थे, सारे ड्रॉबैक्स थे, राइट। तो कोई दो या तीन पॉइंट्स बता सकते हो हब के बारे में? हब ऑलवेज डज ब्रॉडकास्टिंग, करेक्ट, एंड स्विच मल्टीकास्ट करता है। राइट। इसमें ब्रॉडकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्टिंग भी, मल्टीकास्टिंग है, यूनिकास्टिंग है, ये तीनों प्रोसेस होगी। और क्या डिफरेंस होगा, या फिर हब के ड्रॉबैक्स कुछ बता सकते हो? हब हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स एंड ईच पोर्ट डज नॉट हैव फिक्स स्पीड। राइट, मल्टीपल पोर्ट्स जो है, मतलब ये अभी वर्ड्स हमें यूज नहीं करना है, बिकॉज मल्टीपल पोर्ट्स आपको स्विच पे भी मिलेंगे, हब पे भी मिलेंगे, ठीक है। सर तो वो स्पीड जो बताइए। आईपी एड्रेस को नोन नहीं करता, मतलब उसको एग्जैक्टली सेंडर एंड रिसीवर के लोग पता नहीं होते, वो सबको ब्रॉडकास्ट करते हैं। आईपी हब एड्रेस कौन रीड करेगा? सर अब ये ही हब अब आईपी एड्रेस से रीड करता है, नहीं करता, वो सीधा ब्रॉडकास्ट करेगा। राइट। और स्विच, स्विच का सर आईपी एड्रेस करता है, उसे स्विच आईपी एड्रेस रीड करेगा, L3 स्विच करेगा, L2 नहीं। राइट। तो जब इसमें आप और डिटेल्स में जाओगे, L2 L3, तब ये आईपी एड्रेस का एग्जांपल्स हमें एक्सप्लेन करना है। तो जनरली जो L2 स्विच है वो मैक एड्रेस रीड करेगा,
जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, मैक एड्रेस डिटेल्स वगैरह, मैक एड्रेस पे कौन काम करता है, L2 स्विच, तो लेयर 2 से आपके मैक एड्रेस जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस जब हम ये डिस्कस करेंगे उसके ऊपर और मल्टीपल क्वेश्चंस हमें और चेक करना है। हेलो सर। यस हाँ, सिंप्लेक्स की मतलब डेफिनेशन क्या बताने की? सिंप्लेक्स इसमें जो है एक्चुअली सेंडर विल बी ऑलवेज सेंडर, रिसीवर ऑलवेज बी रिसीवर, इनकी जो डायरेक्शंस है डेटा सेंडिंग की वो सेम रहेगी। बट सिंप्लेक्स पे आपको कहीं पे भी मतलब ये क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज ओवरऑल 3 मोड्स है, बट सिंप्लेक्स का काम जो है वो सेम रहेगा। सेंडर हमेशा सेंडर, सेंडर विल बी ऑलवेज सेंडर, रिसीवर विल बी ऑलवेज सेंडर और रिसीवर, ये हम कह सकते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी ओके हम सर। जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे आप, वो IT इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट, डेस्कटॉप इंजीनियर वगैरह ऐसी रहेगी, तो जिसमें इन सारे डिवाइसेस का यूज़ होगा। सिंप्लेक्स अभी क्या होता है, प्रोसेस ऑलरेडी हो रही है, हमें ना ही उसको एनालिसिस करना है, और ये सबको भी पता है। जैसे मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट दे रहा है। अगर हम हार्डवेयर सीख रहे हैं, हार्डवेयर के बेस पे एकदम बेसिक हार्डवेयर है जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस कैटेगरी में आता है, कौन सा डिवाइस आउटपुट कैटेगरी में आता है, तब ये प्रोसेस इसमें आ सकती है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, सेंडर हमेशा सेंडर ही रहेगा, द पोजिशन विल नॉट चेंज, रिसीवर हमेशा रिसीवर ही रहेगा। तो शॉर्ट में इसकी ये डिफिनेशंस रहेगी। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि सपोज जैसे ही ये सेंडर्स इसकी प्रोसेस स्टॉप हो गए, उसके बाद रिसीवर जो है वो डेटा सेंडिंग का काम कर सकता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, सेंडर हमेशा सेंडर का ही काम करेगा, रिसीवर हमेशा ही रिसीवर का काम करेगा। सपोज कंप्यूटर ए ये डेटा सेंड कर रहा है, अब इसकी प्रोसेस हमेशा डेटा सेंडिंग की नहीं रहेगी, कभी तो ये प्रोसेस स्टॉप होगी। जब ये प्रोसेस स्टॉप होगी उस टाइम क्या होगा, बी डेटा सेंडिंग करेगा। तो इसमें क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में जो डिवाइसेस है, जो उनका वर्क फंक्शन है वो चेंज होता है। यहाँ पे ये सेंडिंग का काम कर रहा है, बट कुछ देर के बाद ये रिसीविंग का काम करेगा। इसका जैसे डेटा सेंडिंग की प्रोसेस खत्म हो गई, जो भी डेटा सेंड करना है इसने कर दिया, इसके बाद ये रिसीविंग मोड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन मीन्स जो वर्क फंक्शन है वो इसका चेंज हो रहा है। बट जो सैटेलाइट का एग्जांपल हमने देखा था या फिर मॉनिटर का एग्जांपल हमने देखा था, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो हमेशा सेंडर का काम करेगा एंड जो मॉनिटर है वो रिसीविंग का काम करेगा। यहाँ पे इनकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मॉनिटर के थ्रू हम कोई इनपुट नहीं दे सकते, कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते कंप्यूटर्स को, तो ये डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस ज़्यादातर आपको हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स इसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके सर। इसके बाद एक और जो पॉइंट्स है हमारे सिलेबस में वो है डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G। तो एक्चुअली अभी जो मतलब नॉर्मल इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आता है, बट कोई स्पेसिफिक टेली कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इसमें से कुछ डिफरेंसेस हैं, बट जो नॉर्मल इंटरव्यू आप दोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके पहले 2G भी था, बट अभी इतना तो प्रीवियस पोजीशन पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं। जो बेसिक डिफरेंसेस है 3G एंड 4G, ये आपको ही पता है इसमें क्या डिफरेंसेस है। इवन 5G अभी लॉन्च हो रहा है, तो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इसमें, तो जस्ट वो डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे डेटा ट्रांसफर रेट जो हमें मिलता था, एवरेज स्पीड यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की जो है 3.1 Mbps 3G में, एंड 4G जो है इसमें 4G लाइट वर्जन जो आया है इसका, तो वो है 100 Mbps। अभी सेम ISP जो होते हैं वो पहले 3G पे सर्विस प्रोवाइड करते थे, अभी 3G के पहले भी 2G था, 1G था, डायल अप कनेक्शन थे, वो अभी बंद हो गए, अभी कोई यूज़ नहीं करता। तो अभी जो हमें सर्विस मिल रही है ब्रॉडबैंड या फिर अल्ट्रा ब्रॉडबैंड जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हमें फाइबर बेस वगैरह ऐसी कनेक्टिविटीज पे इंटरनेट मिलता है, और हमें मैक्सिमम 100 Mbps या फिर एवरेजली 40 से 50 Mbps तक अगर स्पीड मिल रही है
तो ऐसी स्पीड को हम कहेंगे 4G नेटवर्क स्पीड। अभी जब 5G लॉन्च होगा, ये जब कम्प्लीटली स्टार्ट होगा, तो इसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा रहेगी 4G से, मतलब अराउंड 500 Mbps, ये ऐसी एवरेज स्पीड रहेगी। तो अभी जो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लेते हो, तो उसमें जनरली आपको 30 से 40 Mbps, डिपेंड होता है प्लान हम कौन सा डिसाइड कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो स्पीड है 30 से 40 50 Mbps, ये ऐसी स्पीड हमें मिलती है। तो ऐसे प्लान्स जो है वो अल्ट्रा ब्रॉडबैंड्स में आते हैं या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स में, तो वो रहेंगे 4G नेटवर्क्स लेते हैं। मोबाइल्स में भी अभी 3G लगभग सेम अभी बंद हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी 4G शुरू है, एंड देन 5G लॉन्च होगा तो उस टाइम 5G के सेम आएंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? आप अभी करंटली 3G के सिम यूज़ कर रहे हो या फिर 4G के यूज़ कर रहे हो, एंड देन 5G के जो अगर सिम हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, क्या एडवांटेज हमें मिल सकता है? सर स्पीड नेटवर्क स्पीड स्पीड मिलेगी, राइट। अभी जो नए डिवाइसेस है उसमें आपके ओल्ड सिम, यहाँ पे कंपेटिबिलिटी मैच होती है नहीं होती है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बट अगर मेरे पास सपोज 3G रिलेटेड फ़ोन है, सपोज ओल्ड फ़ोन है 5 6 साल पुराना, तो उसमें जो है अभी 5G सिम हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर 4G सिम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो ओल्डर वर्जन है, राइट। इवन उसकी साइज भी अगर हम देखेंगे तो साइज भी जो ओल्ड सिम्स थे उनकी साइज बड़ी थी, राइट। अभी 4G जो सिम्स है उनकी साइज छोटी है, जो पुराने सिम थे उनकी मेमोरी भी कम थी, उसमें हार्डली हार्ड 100 150 कॉन्टैक्ट थे वो पाते थे, यहाँ पे ज़्यादा है, मेमोरी यहाँ पे बढ़ गए। तो ये डिवाइसेस जो है ये इसमें भी चेंज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो फिर जस्ट ये जो टॉवर्स है इनके 3G के 4G होंगे, जो एंटीना है डिश है बूस्टर्स है वो 3G to 4G होंगे, ऐसा नहीं है, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। अभी जब आप नया फ़ोन अगर देखोगे तो उसमें 5G सिम वगैरह वो सपोर्टेबल फ़ोन से, अगर 2 साल पहले 3 साल पहले हम फ़ोन देखेंगे मार्केट्स में तो उस टाइम 5G नहीं था, तो उस टाइम सिर्फ 4G रिलेटेड ही सिम थे। अभी आप कोई भी फ़ोन देखोगे तो उसमें आपको 5G रिलेटेड जो फ़ोन्स हैं, मतलब 5G सिम उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे फ़ोन्स मार्केट में मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमें स्विच होना है, कन्वर्ट होना है, तो वो इतना इजीली नहीं होता है। आपके एंड डिवाइसेस से लेके आपका जो बैकबोन होता है, बैकबोन मतलब क्या, अभी जो भी ISPs है, जो भी इंटरनेट अभी काम कर रहा है, वो किस बेस पे काम कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो यहाँ से लेके हमारे फ़ोन से लेके ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क्स तक ये सारी चीज़ें ये चेंज होती जाएगी, तब जाके आपको ये स्पीड मिलेगी। जैसे सबमरीन केबल्स में हमने लास्ट टाइम एक प्लान डिस्कस किया था, जियो की जो लाइंस हैं वो अभी अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसमें दो केबल्स थी, IEX एंड IAX, एक एशिया को कंप्लीट कवर करेगी एंड एक यूरोप को। तो ये केबल्स अभी जियो ऑलरेडी इन्होंने सेटअप स्टार्ट किया है फ्रॉम लास्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर तक के Q3 तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये केबल इंस्टॉलेशन अभी इन्होंने क्यों किया है, ऑलरेडी तो इतनी सारी केबल्स हैं और वो काम भी कर रही है, बट फिर भी इनको ये न्यू केबल इंस्टॉलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है? तो यह है IEX, इसने यूरोप को कवर किया है, इसका डिस्टेंस 9,700, तो ये नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा, Q3 मतलब सितंबर नेक्स्ट ईयर तक हम कह सकते हैं, मैक्सिमम अक्टूबर तक 9,700। और इसमें एक ही ओनर है रिलायंस जियो, ये खुद केबल डाल रहे हैं। तो अभी ये हमारा इंडिया का या फिर वर्ल्ड का ऐसा कह सकते हैं कि ये सिंगल सर्विस मॉडल रहेगा जो इतनी लंबी केबल्स ये इंस्टॉल करेगा। ये है, एंड अगेन एक IAX है, इसमें क्या कवर हो रहा है, इंडिया टू यूरोप एक्सप्रेस नाम से, एंड एक है इंडिया टू एशिया। अभी इसमें सिंगल केबल नहीं है, इसमें मल्टीपल केबल्स है, तो लगभग जो एशिया है, इंडिया टू एशिया मतलब सिंगापुर तक, उसमें उन्होंने 6 केबल इंस्टॉल किए हैं, और ये है IEX। तो ये अभी प्रोग्रेस में नेक्स्ट ईयर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कंट्रीज को ये कनेक्ट किया है और ये डायरेक्ट यहाँ तक गया है, इटली कंप्लीट यूरोप इसने कवर किया।
एक है IAX, जी केवल, ये भी रिलायंस की है, ओनर सिंगल ओनर है, एंड 2024 फेब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने 6 केबल इंस्टॉल किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोड तक डायरेक्ट डायरेक्ट केबल गई है। तो ये केबल अभी न्यू केबल इंस्टॉल करने के पीछे इनका मकसद क्या था? तो जो ये केबल से, ये नॉर्मल केबल नहीं है, मतलब सबमरीन केबल ही है बट उसका एडवांस वर्जन है। तो ये केबल्स इन्होंने क्यों इंस्टॉल किए है? ये 5G नेटवर्क के लिए यूज़ किए हैं, बिकॉज अभी जैसे हर कंपनी 5G नेटवर्क के एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, बट बैकबोन में अगर वो ये केबल्स अगर रिप्लेस नहीं करते या फिर ओल्ड केबल पे ही उनका अगर नेटवर्क शुरू है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर स्पीड नहीं मिलेगी। जैसे इन्होंने रिलायंस जियो प्लान स्टार्ट किया था 2016 में, तो उस टाइम उसके पहले 3-4 साल पहले इन्होंने इनका जो नेटवर्क है उसको और बढ़ाया, और जहाँ पे वीक नेटवर्क है उसको और स्ट्रॉन्ग किया। केबल्स वगैरह ये सारा इंस्टॉलेशन, ये काम में टाइम बहुत लगता है, इवन यहाँ पे कॉस्टिंग भी बहुत लगती है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट अप्रूवल्स वगैरह ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। एक बार ये आपका बैकबोन्स रेडी हो गया, देन जो डिवाइसेस है वो हम इमीडिएटली रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी स्विच राउटर है या फिर जो इनके डिवाइसेस होते हैं, BTS टावर, BSC टावर, MSC टावर वगैरह रिलेटेड, तो वो इमीडिएटली स्विच हो सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम इसमें जाता है। ये एक्चुअली क्या है, वेंस के जैसा काम कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में वेंस होती है उसके जैसा ये काम कर रहे हैं, एक नोड से दूसरे नोड तक ये डाटा ट्रांसफर करेंगे, जितना हाई स्पीड से करेंगे उतनी प्रॉपर स्पीड मिलेंगी। अगर रिलायंस जियो ये 5G अगर लॉन्च कर रहा है अभी जो करंट सेटअप है उसी के बेस पे, तो जो एज पर अदर कंट्रीज के हिसाब से देखेंगे, अदर कंट्री में जैसे 5G नेटवर्क है तो वहाँ पे 50 MBPS 60 MBPS स्पीड मिल रही है, तो इंडिया में ये 20 हो सकता है, उससे कम मिले। तो इसीलिए इनको ये बैकबोन जो है चेंज करना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये जो केबल अभी अपग्रेड करेंगे ये कम्प्लीटली सपोर्टेबल रहेगी 5G नेटवर्क। तो सेम ऐसा ही अपग्रेडेशन प्लान चल रहा है एयरटेल का भी, बट इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है, इससे कम है। तो एयरटेल भी अभी 5G में जो जो ISPs अभी एंट्री कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनका नेटवर्क वीक है वहाँ पे उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ अभी केबल्स का है, जैसे जैसे आपका 5G, इन्होंने अभी टेस्टिंग भी की है बहुत सारी, तो मल्टीपल सिटीज़ में इन्होंने ट्रायल भी लिया इसका, उस टाइम जो 4G वगैरह यूजर्स थे उनको भी कुछ मल्टीपल इश्यूज आए थे कनेक्टिविटी रिलेटेड। तो ये जब सक्सेसफुल होगा, ये कम्प्लीटली हो जाएगा, इसके बाद बहुत सारे डिवाइसेस भी इंटरनली ये चेंज करेंगे, जैसे BTS टावर है, MSC टावर है, इन टावर्स के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो ये सारे जो डिवाइसेस है इसमें ये भी चेंज होते हैं या फिर अपग्रेड होते हैं, हर बार चेंज तो नहीं होगी बट अपग्रेड होते हैं। तो बेनिफिट्स हमें अभी क्या मिलेगा, हम 3G टू 4G अगर जा रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? ये बेनिफिट आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे। वीडियो अपलोड रेट, डाउनलोड रेट, जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा मिल रही है इंटरनेट रिलेटेड डाउनलोड अपलोड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3G नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम वीडियो कॉलिंग्स वगैरह ये पॉसिबल नहीं थी, व्हाट्सएप के थ्रू हम अगर वीडियो कॉल्स करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, तो उस टाइम क्या होता था कि जो डेटा है वो ऑलरेडी उसका अपलोड डाउनलोड स्पीड होने की वजह से जो सिग्नल्स है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलते थे, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, पिक्चर स्टक होता था। तो ऐसे इश्यूज जो है वो 3G में मिलेंगे, 4G में इसको और बेटर किया गया ताकि वीडियो कॉलिंग्स वगैरह हम कर सकें। तो इसमें अभी जब आप वीडियो कॉलिंग्स, ऑडियो कॉलिंग्स कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, एक बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि हमें जो कुछ भी हमारा जो बैलेंस होता है, मतलब कॉलिंग के लिए पर्पज हमें कुछ बैलेंस रिजर्व रखना पड़ता है, इतना मिनिमम रिचार्ज करना है या फिर इतने यहाँ पेमेंट्स होनी चाहिए, वो अभी झंझट यहाँ पे नहीं है। आपका बैलेंस भी खत्म हुआ, अगर नेट चालू है तो आप उसको कॉल कर सकते हो, इवन आपका नेट भी डाउन है तो किसी का वाईफाई यूज़ करके भी हम ये कॉलिंग कर सकते हैं। तो एक एडिशनल फीचर्स यहाँ पे हमें मिल रहा है 4G में, तो माइनर माइनर चीज़ें हैं बट ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते जा रहे हैं। 5G जब आएगा तो इसमें और एडवांटेज रहेगा, जैसे कि अभी जो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टीचिंग्स है जो हम अभी कर रहे हैं, तो वैसे ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, तो इसमें भी अभी बहुत डिफरेंस हो चुका है,
मतलब पहले जो था सिग्नल्स, वीक सिग्नल्स है, प्रॉपर मीटिंग होगी कि नहीं होगी, इसकी वजह से लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते थे। बट अभी जो है 4G नेटवर्क है, स्टेबल नेटवर्क है एज कम्पेयर टू 3G, तो ये सारी मीटिंग्स प्रॉपरली वर्क हो रही है एंड लोगों को तो उसके बेस पर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जब ये 5G लॉन्च होगा तो 5G में और एडवांस चीज़ें रहेंगी। तो 5G में जो है मल्टीपल चीज़ें रहेगी, फॉर एग्जांपल जैसे रोबोट्स आएंगे, रोबोटिक चीज़ें काम करेंगी एंड वो सारे आपके नेटवर्क के थ्रू काम करेंगे। अभी जो है हम मतलब ह्यूमन लेबर्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर्स है तो वो मैनुअली खुद ऑपरेशन करेगा। बट जब 5G लॉन्च होगा तो बहुत सारे रोबोटिक टूल्स रहेंगे, एक डॉक्टर एक जगह से उसको ऑपरेट करेगा एंड मशीन के नीचे पेशेंट्स रहेगा, और ऑपरेशन जो होगा वो सर्जन किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के वो कंप्लीट ऑपरेशन सक्सेसफुल करेगा। बिकॉज अभी क्या होता है, एक ऑपरेशन के लिए इनको लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम देना पड़ता है। डॉक्टर्स की विजिट है, देन अगेन उनकी प्रिपरेशंस है, उसके अंडर जो भी इनके को वर्कर रहेंगे उनकी टीम्स होती है। तो सर्जन एक ही रहेगा बट उसके अंदर जो को वर्कर है, जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब 5G नेटवर्क आएगा तो 5G में सर्जन एक ही जगह रहेगा एंड जो मशीन्स रहेगी, ऑपरेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, वो अलग अलग लोकेशन पे रहेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन वो एक जगह से कर सकता है। तो इसकी भी टेक्नोलॉजी जो है इसमें ये 5G की हेल्प लेने वाले हैं। इसका ऑलरेडी एक ट्रायल हो चुका है। अहमदाबाद के पास कोई एक सिटी है छोटी, वहाँ पे एक डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था और ये कम्प्लीटली इंटरनेट के थ्रू ही किया था। तो वो जस्ट एक ट्रायल था, बट आगे ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब टेक्नोलॉजी जो है हमें इसका बेनिफिट जो है इसी के लिए मिल रहा है, इंटरनेट स्पीड वगैरह ज़्यादा मिल रही है, इसमें और भी एडवांटेजेस हैं। सर सेल्फ ड्राइविंग कार भी हो सकते हैं ना, ये है राइट ऑटोमेटिक कार। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं, बट ये कैसा होता है, थोड़ा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे से भी डेवलप होगा तो वैसे वैसे ये होंगे। जैसे अभी 6G बहुत सारी सिटीज में ट्रायल चल रहा है, 6G नेटवर्क अभी फिलहाल में हम एक स्टेप सारे कंट्रीज के जो डेवलप कंट्री उनके पीछे हैं। बट ये जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स मतलब जो रेडिएशन का खतरा है वो और बढ़ेगा, बिकॉज जो डिवाइसेस हम यहाँ पे लगाएंगे उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेंगी। जैसे यहाँ पे 5 MHz टू 20 MHz ये बैंडविड्थ इसकी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 100 MHz, तो जो डिवाइसेस रहेंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्स में काउंट होती है। जैसे यहाँ पे 1.6 to 2 GHz, अगेन 2 to 8 GHz, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब क्या होगा, वो डिवाइस ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट करेगा। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से मतलब जैसे बर्ड्स वगैरह हैं इनके हिसाब से भी ये क्रिटिकल है एंड हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ये क्रिटिकल है, ये हार्मफुल है, तो इसका इम्पैक्ट होता है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो इसमें जो है एक्चुअली आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक्स है बट टोटली डिपेंड्स है इसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को पता है कुछ इसके बारे में? शॉर्ट में इसे AI कहते हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ह्यूमनॉइड रोबोट्स ये कुछ आर्टिफिशियल। राइट। अभी जो रोबोट्स काम करते हैं वो जनरली मतलब स्पेसिफिक काम करेंगे, सिंगल टास्क रहेगा उनको जो दिया है। जैसे कोई 4-व्हीलर रिलेटेड कोई कंपनी है, वहाँ पे जो पेंटिंग्स होती है वो रोबोट्स करेंगे, या फिर असेंबलिंग जो होती है कार की, बहुत सारी असेंबलिंग रोबोट्स करेंगे। उनकी फिनिशिंग जो होती है, जैसे पेंट करते समय में हमारा हाथ जो है कहीं मतलब ऊपर या फिर कहीं भी नीचे होगा तो पेंट्स की जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। बट रोबोट से क्या होता, सेम टाइम सेम स्पीड में स्प्रे जो है वो स्प्रेड करेंगे, तो इसके थ्रू जो फिनिशिंग हमें मिलेगी वो बेटर मिलती है। जैसे अभी और ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फर्टिलाइजर के लिए, पहले ये हम खुद करते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक सेक्टर्स में इनका जो है इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, ड्रोन के थ्रू अभी जो पेट्रोलिंग होती है
जैसे पहले पुलिस खुद अभी वैन्स में बैठ के पेट्रोलिंग करते थे, बट जो कुछ ऐसे एरिया, नैरो एरिया या फिर आउटसाइड एरिया, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे ड्रोन के थ्रू सर्वेलांस सिस्टम जो है उसके थ्रू ये मॉनिटरिंग होती है। बॉर्डर्स पे भी इसका यूज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो लेबर्स है, मतलब जो भी है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो सोल्जर हो, या फिर कोई पुलिस हो, तो उनके जो ये है रिक्वायरमेंट्स, वो अभी कम हो रही है। तो ये हुआ अभी स्पेसिफिक टास्क, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अभी है नैरो लेवल पे। नैरो लेवल मतलब अभी ये है, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि लोअर लेवल। एक समय ऐसा आएगा 2035 टू 2040, तो ये इंटरमीडिएट हो जाएंगे, मतलब हमारे जितना इनका ये जो है माइंड इतना ये होगा, डेवलप होगा। एंड एक लेवल इससे भी आगे रहेगी, दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल, तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे। तो ये जो पीरियड रहेगा 2015 टू 2055 के आसपास ये पीरियड रहेगा। तो एडवांस लेवल पे जब ये जाएंगे, तो जैसे बहुत सारे हॉलीवुड पे फिल्में भी आई है इस पे, टर्मिनेटर्स वगैरह जो रोबोट्स की फिल्म्स हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर भी मतलब ये कर सकते हैं, हुक्म चला सकते हैं। नैरो लेवल्स जो है अभी फिलहाल में ये नैरो लेवल पे है, हम स्पेसिफिक टास्क उसके थ्रू काम करा के ले रहे हैं। इसमें कोई ब्रेन वगैरह हमने कोई सेट नहीं किया, स्पेसिफिक टास्क है उतना वो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। बट जब ये इंटरमीडिएट लेवल्स पे हो जाएंगे, तब इसमें जो है मतलब हमारा जो है ब्रेन्स उसके जैसा ये काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ रोबोट्स भी बने हैं, जैसे दुबई में एक रोबोट को सिटीजनशिप मिला, कुछ सानिया के कुछ तो भी नाम है उसका, तो उसको सिटीजनशिप मिली है एंड वो मल्टीपल लैंग्वेज बात कर सकती है। तो एक एंकर ने उसको पूछा था कि अगर सपोज तुम्हारी कैपेसिटी ये जो है नेक्स्ट इन फ्यूचर्स, तुम्हारा माइंड अगर ग्रो होता है, डेवलप होता है, एंड देन आप ह्यूमन के हिसाब से कैसे काम करोगे, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्टली आंसर दिया था कि जैसे मतलब जो है हम उनके साथ बिहेवियर करेंगे उसके हिसाब से वो काम करेंगे, अगर हमने कुछ गलत किया तो वो भी हमारे साथ गलत कर सकते हैं। इंटरप्रेटर्स में भी अभी चाइनीज इंटरप्रेटर जो है वो 24/7 इस पे न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, तो चाइना के कुछ न्यूज़ चैनल भी है जिसमें उन्होंने यहाँ पे न्यूज़ एंकर नहीं बैठा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट है जो कि कम्प्लीटली 24/7 मल्टीपल लैंग्वेज में न्यूज़ रिपोर्टिंग करता है। तो ये अभी है इस लेवल पे, देन आगे जाके इसमें और चीज़ें डेवलप होगी, देन फ्यूचर में पता नहीं अभी मतलब क्या हो सकता है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है जैसे बिल गेट्स है, स्टीफन हॉकिंग्स है, इन्होंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड वार्न किया था कि इसका एक लिमिट सेट किया जाए, बिकॉज ये अगर इनका ब्रेन अगर ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लगे या फिर इनको हमने उतना डेवलप किया, तो फिर आगे जाके ये हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी जो जनरेशन है मोबाइल नेटवर्क 3G 4G है, बट 6G 7G 8G 9G इन फ्यूचर ये 10G तक भी हमें मिलेंगे। बेनिफिट्स हमें मिलते जाएंगे, बट इसमें जो है डिसएडवांटेज भी उतने रहेंगे। जैसे अभी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं सेंसर रिलेटेड डिवाइसेस, जिसको हम जैसे पूरा अगर यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कहीं पे भी जो सामने एक एनवायरनमेंट रहेगा हमें ऐसा फील होगा कि हम उस एनवायरनमेंट में चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे ये आने वाली है, सेंसर रिलेटेड चीज़ें ये इसमें रहेगी। तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं 3G एंड 4G, ये जनरली आपको नेटवर्क रिलेटेड इंटरव्यूज या फिर टेक्निकल सपोर्ट इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे, स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ वर्क है तो ही पूछा जाएगा। तो हमारे सिलेबस में ये था पॉइंट्स, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे थे, अदरवाइज नॉर्मल सिलेबस में हम ये डिस्कस नहीं करते। सर बैंडविड्थ क्या रहती है, मतलब 520? 5G की जो है 500 के आसपास है, 540 Mbps। तो सिटी वाइज कंट्री वाइज ये अलग अलग रहेगी, आपको एग्जैक्टली इतनी नहीं, जैसे आप 100 Mbps बताया है, कुछ और अगर हम चीज़ें सर्च करेंगे तो वहाँ पे 40 Mbps भी शो करेगा। तो एवरेज स्पीड क्या है, 40 Mbps से लेके 100 Mbps।
तो 5G की भी जो है ये 500 Mbps टू 1 गीग 2 गीग्स तक ये स्पीड रहेगी, बट एवरेज जो काउंट हम कर रहे हैं वो 500 है। जब तक कि ये चीज़ें टेस्ट नहीं होती तब तब तक हम यहाँ पे क्लियरली नहीं कह सकते कि यस इतना ही डेडिकेट स्पीड बनेगा, बिकॉज कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे मतलब जो आउटसाइड रीजन है वहाँ पे आपको इतनी स्पीड तो मिलना मुश्किल है जब तक कि वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना हो, और जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे स्पीड अच्छी मिलेगी। अभी हम कंट्री के हिसाब से भी देखेंगे तो जैसे दुबई, दुबई में अभी सबसे बेटर मतलब फास्ट स्पीड मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो कहीं पे भी अगर हम जाएंगे किसी भी कॉर्नर में तो 100 Mbps जो है यहाँ पे एवरेज स्पीड मिल रही है। इसका कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास मतलब वो अभी फोन में, तो नेक्स्ट ये सेशंस में मैं दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट आता है PSTN, कुछ आइडिया है किसी को एग्जैक्टली ये क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, तो जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं फॉर कॉलिंग पर्पज, अभी इसमें आज के ज़माने में जो हम यूज़ कर रहे हैं जैसे टीम्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, या फिर जावर एप्लीकेशंस है, ये ऐसे अदर एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टूल्स है इस टूल के थ्रू आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो इंटरनली एंड ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, देन फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, फोल्डर ट्रांसफर कर सकते हो, स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स हम हमें ऐसे टूल्स में मिलते हैं, तो मार्केट में भी मल्टीपल टूल्स हैं उसमें से ये दो एग्जांपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड सिस्को जावर। तो जनरली ये पेड सर्विसेज है मतलब इसके हमें लाइसेंस यूज़ करना पड़ता है, ये जो है सिस्को जावर ये विदाउट लाइसेंस तो चलता ही नहीं है, हर एक डिवाइसेस के लिए सेपरेट लाइसेंस होता है। तो इन डिवाइसेस में भी क्या फीचर्स है कि आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हो अगर बैंडविड्थ प्रॉपर है, तो मतलब मैं अगर वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग के जैसा ये काम कर रहा है, तो बैंडविड्थ यहाँ पे अगर प्रॉपर है तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑडियो कॉल्स यहाँ पे पॉसिबल होगा। स्क्रीन शेयर करना है मुझे, सपोज सिस्टम एडमिन्स को कुछ दिखाना है, कुछ एरर्स है सिस्टम में वगैरह, तो वो उसके लिए भी हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है अभी फिलहाल में प्रॉपर चल रही है, अगर ये 3 साल पहले 4 साल पहले अगर देखेंगे मतलब बिफोर कोविड पीरियड तो ये इसमें वीक सिग्नल या फिर प्रॉपर कॉलिंग नहीं होती थी, ऑनलाइन मीटिंग्स जो है वो भी बीच बीच में ड्रॉप होती थी, ऐसे इश्यूज आते थे, बिकॉज उस टाइम तक क्या हुआ था नेटवर्क इतना मतलब प्रॉपर नहीं था, देन ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो इसके रिलेटेड क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्या चेंजेस हमें फायरवॉल पे करना है, इनको कैसे अलाउ करना है, कितना डेडिकेटेड बैंडविड्थ इनको अलाउ करना है, ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्रॉब्लम फेस करती थी ड्यूरिंग कोविड पीरियड भी, ये सारी चीज़ें चलती रही, बट जो इंटरनेट जो स्पीड है वो थोड़ा सा और बेटर हुआ, बिकॉज सारा ड्यूरिंग कोविड पीरियड अगर देखेंगे तो सारा जो लोड था वो इंटरनेट के ऊपर ही था, सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू काम करते थे या फिर ऑनलाइन घर से ही काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ, तो जहाँ पे भी इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज थे वो नेटवर्क वहाँ का प्रॉपर किया गया ताकि यूजर्स को और बेटर सर्विसेज मिले। तो इसके बाद जब हम अभी देख रहे हैं तो ये सारे टीम्स एप्लीकेशन, जावर एप्लीकेशन ये प्रॉपरली चलने के, बिकॉज इनको जो है हीवी बैंडविड्थ लगती है, कंपनी में अगर 10 यूज़र है 10 Mbps अगर स्पीड हम यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 1 MB हर एक यूजर्स को जब ये कॉल्स करेंगे या फिर कुछ शेयरिंग करेंगे स्क्रीन तो इतनी स्पीड लगती है। तो ओवरऑल बैंडविड्थ एंड नंबर ऑफ यूजर्स इसके हिसाब से हम इसका काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जिसके बेस पर हम कॉलिंग्स का ये फीचर अप्लाई करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो पहले IP फोन्स थे उनका मार्केट अभी बहुत कम हुआ, तो इसमें मल्टीपल कंपनीज हैं सिस्को, सिस्को
इसके आईपी फोन्स हैं। तो इस टाइप के फोन्स अभी कुछ कंपनियां यूज करती है, बट मार्केट में अभी इसका यूज जो है बहुत कम हुआ। तो इनकी जो प्राइस है अभी, ये रीसेल वाली प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है। इस पर्टिकुलर हैंडसेट की अगर हम प्राइस डिस्कस करें तो वो अराउंड 22-23 थाउजेंड तक जाती है। 7841 इसका प्रीवियस मॉडल था, 7821 वो अभी बंद हो चुका है। तो इसमें फीचर्स क्या है, आप यहाँ पे ऑडियो कॉल कर सकते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन। देन इसमें फ़ोन डायरेक्टरी रहेगी, जो भी आपको कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव करने हैं वो हम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में हम यहाँ पे यूज़र्स को ले सकते हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग्स अगर हमारे पास लाइसेंस है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स हमें इस पे मिलेंगे, बट अभी जो हम फिलहाल में यूज़ कर रहे हैं ये अदर टूल्स, यहाँ पे भी हमें ये फीचर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे रिमोट शेयरिंग है, उसके लिए हमें अलग से टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के थ्रू हम रिमोट शेयरिंग कर सकते हैं। आईपी फोन के थ्रू हम कोई फाइल तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी यूज़र्स को, बट जो अभी टीम्स है या फिर सिस्को जावा टाइप के एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम जो भी कंटेंट्स है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आईपी फोन्स इसमें जो है हर एक यूज़र्स को एक एक्सटेंशन दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम इसका ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन। एंड ये जो एक्सटेंशन होते हैं ये सारे एक्सटेंशन नंबर हमें परचेस करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ काउंट्स। जैसे 100 चाहिए तो 100, 200 कनेक्शंस आपको प्रोवाइड करना है 200 यूज़र्स को, तो आप 200 नंबर्स यहाँ पे परचेस करोगे। तो नंबर सीरीज कौन सी करने रखनी है वो हम पे डिपेंड होता है। आप 4 डिजिट भी रख सकते हो एंड 6 डिजिट भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सीरीज 2801, 2802, ऐसे मल्टीपल सीरीज ये रहेगी। तो एक एक यूजर्स को हम ये नंबर असाइन करेंगे और इसका एक सर्वर रहेगा, दैट इज कॉल्ड CUCM सर्वर। सिस्को यूनिफाइड कंसोल मैनेजमेंट। तो ये सर्वर इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। आईपी फोन टेक्नोलॉजी जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट नेटवर्क पे ही ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होंगे वो थोड़े अलग है। जैसे हम आईपी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हैं तो आईपी यहाँ पे यूज होंगे, बट आगे SIP प्रोटोकॉल, H.32 प्रोटोकॉल, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। तो जो सर्वर्स होता है फिजिकल वो इस टाइप का सर्वर्स रहेगा। इसमें जो है मल्टीपल सीरीज अवेलेबल है, B6K, B7K। तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने इस पर्टिकुलर सर्वर पे काम किया था जिसमें ये सारे मल्टीपल डिवाइसेस थे। इसे DXCT कहते हैं, टेली प्रेजेंट डिवाइस है। टोटली ये जो डिवाइस है वेबेक्स मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है, इंटरनल कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। जावर वगैरह एप्लीकेशन इसमें रहेगा एंड वेबेक्स एप्लीकेशंस। बाकी इसमें कोई स्टोरेज वगैरह नहीं है, ना ही हम इसके थ्रू कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग यहाँ पे जावर्स के थ्रू होगी, वेबेक्स के थ्रू होगी, जो सिस्को के एप्लीकेशन है। बाकी अदर टूल्स इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन रहेगा इस डिवाइसेस को। इससे बड़ा एक और आता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस होता है जिसको स्पार्किट कहते हैं, वो इससे भी बड़ा रहेगा। एंड ये वो सर्वर है। तो इसके अंदर ये सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, हर एक डिवाइसेस को क्या एक्सटेंशन नंबर देना है, जो पर्टिकुलर यूज़र जिस डेस्क पे बैठ रहा है उसका नाम एंड उसकी सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम उसका एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू वो काम करेंगे। तो इस टाइप की ये स्क्रीन रहेगी CUCM सर्वर्स की। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें कोलाब्रेशंस में आती है। पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद ये जो कॉल्स है जो मेरे नंबर पे आ रहा है मुझे ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे नंबर पे, वो हम कर सकते हैं। देन हॉलीडेज़ है, हॉलीडेज़ के टाइम्स आपका फ़ोन स्विच ऑफ, मतलब जो आईपी फोन है वो वर्क नहीं होगा, वो पर्टिकुलर मैसेज आएगा। जो भी कंपनी में कॉलिंग्स होती है आपने अगर देखा होगा तो कंपनी में जो कॉल्स आते हैं वो जनरली किसी एक ही नंबर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल
बाहर से कोई अगर कॉल कर रहा है कंपनी में, कोई भी कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल आईबीएम कंपनी, इनका एक एक्सटेंशन नंबर रहेगा। लाइक दिस, बाहर से कोई यूजर कॉल कर रहा है तो वो यूजर इस नंबर पे कॉल कर रहा है, वो नंबर यहाँ पे जाएगा आईबीएम कंपनी में। तो इस कंपनी में एक तो यहाँ पे वॉइस राउटर रहेगा जो इसका काम करेगा, जो इंटरनेट की लाइंस है, मतलब आईएसपी की लाइंस। अभी ये जो लाइंस है ये टेलीफोन की लाइंस है, ये डायरेक्टली आपके वॉइस राउटर तक आएगी। जो लैंडलाइन फोन्स की लाइंस होती है वो डायरेक्टली राउटर तक आएगी, और राउटर्स में यहाँ पे ये लाइन कॉन्फ़िगर होगी। पीआरआई लाइन हो सकती है, आईएसडीएन लाइन हो सकती है, ऐसे अलग अलग लाइन्स रहेंगे। जो भी है, एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर है, दो सर्विस प्रोवाइडर है, तो आईएसपी के जो कनेक्शन हैं वो सीधा राउटर तक आएंगे, यहाँ पे वो लाइन कॉन्फ़िगर होगी। देन ये जो सर्वर्स है, सॉरी राउटर, इसे हम कहेंगे वॉइस राउटर, इसको में एक वॉइस राउटर यूज होता है, 4321 इसका मॉडल नंबर है। तो इस वॉइस राउटर्स की कनेक्टिविटी हमारे सीयूसिम सर्वर के साथ हो गई है, जो कि सिस्को का है, वाया कोर स्विच। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इनके बीच में स्विच आएगा। सीयूसीएम अभी ये किसी डिवाइसेस के साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, जो इन डिवाइसेस हैं इनके बीच में भी स्विच आएगा, या फिर वो कोर के थ्रू ही कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि ये वॉइस राउटर कोर स्विच, सीयूसीएम सर्वर भी कोर स्विच, एंड यहाँ से जो भी ऐसे स्विचेस हैं पर्टिकुलर फ्लोर्स पे वो कनेक्टेड रहेंगे। एंड इसके साथ आपके आईपी फोन्स यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। आईपी फोन्स है, डीएक्सटी डिवाइस है, स्पार्क किट है, ऐसे ये अलग अलग डिवाइस हो सकते हैं। तो इन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी ये ऐसे स्विच से रहेगी, एंड हर एक डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन यहाँ पे असाइन किया जाएगा। तो इस टाइप से ये नेटवर्क होता है, हर एक डिवाइसेस को एक एक्सटेंशन रहेगा। फॉर एग्जांपल 2045, नेक्स्ट डिवाइस 2046, जो भी नंबर हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। सामने वाला यूज़र जब कॉल करेगा तो इसकी जो कॉलिंग्स है वो कॉलिंग यहाँ पे जाएगी कंपनी में, बट उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कॉलिंग्स कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इस नंबर को डायल कर रहे हो, अभी आपके जैसे मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर का यूज़ करने के लिए। तो कंपनी में जब कॉल जाएगा तो वो फर्स्ट जो रिक्वेस्ट है आईएसपी लाइंस के थ्रू आपके वॉइस राउटर तक जाएगी, वॉइस राउटर ये इसको डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा आपके सीयूसीएम सर्वर तक, मतलब के कोर स्विच पर। तो जो लैंडलाइंस है उसका नंबर्स वगैरह यहाँ पे ही कॉन्फिगर होता है। तो इसमें एक और फीचर्स ये आता है कि ये जो लाइन्स है, मतलब ये जो कॉल्स यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर एक्सटेंशन, कोई तो भी पर्सन होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये जो लाइन्स होती है ये डायरेक्टली हम किसी कंसर्न पर्सन के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब वो कॉल कर रहा है इस नंबर पे बट वो डायरेक्टली लाइन फॉरवर्ड हो रही है कोई दूसरे नंबर पे, जो कि सपोज रिसेप्शन वगैरह इनका फ़ोन नंबर रहेगा। ये सपोज रिसेप्शन है, डिपार्टमेंट है, इसके पास कंसोल होगा, कंसोल मीन जीयूआई, ये इस टाइप का जीयूआई रहेगा जहाँ से ये कम्प्लीटली एसेस कर सकेंगे कितने कॉल्स आ रहे दिन भर में, कितने कॉल्स आए, कितना टाइमिंग बात हुई है। तो इसके पास आने के बाद ये डायरेक्टली ये जो कॉल्स है फिर जो कंसर्न पर्सन है उसको फॉरवर्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है कुछ एबीसी नाम का,
इसे अभी एचआर से बात करनी है। एचआर का ये एक्सटेंशन नंबर है 2045। तो ये डायरेक्टली अभी इसमें दो ऑप्शंस आते हैं कि एक तो आप उस लैंडलाइन नंबर पे कॉल करो, लैंडलाइन नंबर पे जब कॉल करोगे तो वहाँ पे एक्सटेंशन नंबर पूछा जाएगा, प्लीज़ डायल द करेक्ट एक्सटेंशन नंबर। तो इसके लिए भी हम एडिशनल लाइसेंस परचेस करने पड़ते हैं। तो जब वो आगे का एक्सटेंशन नंबर टाइप करेगा 2045, तो इसका डायरेक्ट कॉल कनेक्ट होगा इस यूज़र को बाहर से। बट अगर एडिशनल लाइसेंस नहीं है तो सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप यहाँ पे कॉल करोगे एंड प्लीज़ होल्ड द लाइन्स टू असिस्ट और वेट फॉर रिसेप्शनिस्ट, ऐसे मैसेज आएंगे। तो ये लाइन जाएगी रिसेप्शन के पास, एंड रिसेप्शन को जब आप बताओगे कि उसे कंसर्न पर्सन से बात करनी है, तब ये मैन्युअली फॉरवर्ड करेगा वो कॉल यहाँ पे। तो इस टाइप से ये कॉलिंग होती है। तो जो भी लैंडलाइन नंबर है कंपनी के या फिर हॉस्पिटल्स के, वो भी देख सकते हैं आप कॉल्स करके। उसमें पर्टिकुलर एक्सटेंशन नंबर मांगेंगे एंड वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन नंबर आपके पास है तो वो कॉल उस पर्सन को कनेक्ट होगा, अदरवाइज फिर रिसेप्शन के पास जाएगा। इवन टोल फ्री नंबर जो होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होती है। तो बैकएंड में क्या होता है, ये सारे डिवाइसेस ऐसे अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो भी कॉलिंग्स हम कर रहे हैं, जो पुराने लैंडलाइन थे उसमें था PRI लाइन्स, प्राइमरी राइट इंटरफेस लाइंस। अभी PSDN जो है इसमें क्या होता है, डिजिटल लाइंस का यूज़ किया गया है। जैसे एनालॉग सिग्नल्स ये फोन के थ्रू आएंगे, एनालॉग सिग्नल्स इस टाइप के ये सिग्नल्स रहेंगे, इससे एनालॉग सिग्नल्स रहेंगे वेव फॉर्म में, एंड जो डिजिटल सिग्नल्स है ये स्ट्रेट लाइंस में रहेंगे। तो एनालॉग फोन्स, इनके थ्रू ये सिग्नल डिवाइसेस तक आ रहे, जो स्विच वगैरह है, यहाँ से ये डिजिटल ट्रंक मतलब डिजिटल सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर देखेंगे एनालॉग फोन से डेटा आ रहा है आपके डिवाइसेस तक, डिवाइसेस टू डिवाइस, ये कम्प्लीटली डिजिटल में ट्रांसफर हो रहा है। तो IP फोन जो है ये कम्प्लीटली डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, जो अभी हम ये IP फोन डिस्कस कर रहे थे, सिस्को IP फोन, जिसमें कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जिसमें कॉलिंग्स वगैरह हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होता है, अराउंड 35 to 40 thousand एक IP फोन की इसमें प्राइस रहेगी। तो वीडियो कॉलिंग, वेबएक्स वगैरह हम इसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं, बट इनकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। तो फोन्स का जो यूसेज है वो अभी फिलहाल में कम हुआ, बट इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी काम कर देती है कम्युनिकेशंस के लिए। तो बहुत सारे एनालॉग फोन्स जो होते हैं, यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होता है उसे कहते हैं मक्स। ये जो डिवाइस होता है EPBX, उस डिवाइस को कहते हैं EPBX। तो EPBX को हम एज अ शॉर्ट में सर्वर भी कह सकते हैं। अभी ये एनालॉग फोन्स है, मतलब IP फोन्स डिजिटल सिग्नल्स ये ट्रांसफर नहीं हो रहे, बट फिर भी इनको कंट्रोल करने के लिए ये EPBX डिवाइस रहेगा, ये भी कम्प्लीटली एनालॉग पे ही काम करेगा। तो EPBX के थ्रू ही हम इनको एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो इसका हम इसको सर्वर भी कह सकते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे EPBX डिवाइस दिखा है, इसके फिर अंडर ये जो डिवाइसेस है ये फोन्स है, एंड इनको एक्सटेंशन असाइन किया गया है। और इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, सीप प्रोटोकॉल, S32 प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। सीप जो है सिस्को का खुद का प्रोटोकॉल है, तो IP फोन्स एनालॉग फोन भी है, एंड
डिजिटल बेस पे, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको VOIP हम कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके रिलेटेड भी डिवाइसेस है, तो उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो अदर कंपनीज हैं, इसमें गैंगस्ट्रीम नाम की कंपनी है, इस डिवाइसेस में फीचर्स थोड़े कम मिलेंगे बट इनकी प्राइस भी कम होगी, जिससे ये इनकी प्राइस है 4,000, कुछ हायर वर्जन है तो 17,000, बट लगभग ये जो है हाईएस्ट प्राइस है, बेसिक मॉडल ये है। सिस्को में भी बेसिक मॉडल 390 का ही आता है, 4,000-5,000 तक उसकी एवरेज प्राइस है, बट बाकी के अगर कंपेयर में देखेंगे तो उतने फीचर्स आपको इन सारे डिवाइस में मिल रहे हैं। क्वालिटी के अगर हिसाब से अगर देखेंगे तो सिस्को में क्वालिटी वो बेस्ट है, ऑडियो वीडियो जैसे एप्पल्स में हम देखते हैं सेम क्वालिटी आपको वैसे मिलेगी, बट कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको चीप लेवल सॉल्यूशंस चाहिए, तो उस टाइम वो ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कोई सर्वर नहीं होता है बैकएंड में, CVCM के जैसा, इसके बैकएंड्स में EPPX रहेगा। तो ये अभी जो छोटी कंपनियाँ हैं इसका ज़्यादा यूज़ करती है ऐसे डिवाइसेस का। तो ये कम्प्लीटली एनालॉग बेस पे काम करेंगे एंड इसको कंट्रोल करने के लिए जो सर्वर्स रहेगा वो इनका EPPX डिवाइस होगा। बहुत सारी कंपनी है इसमें IPPBX जो कि IP बेस पे काम करता है। ये मैट्रिक्स का IPBX है, तो ये एज ए सर्वर काम करेगा, डिपेंड ऑन डिवाइस वो कितना कैपेसिटी तक कितने कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी ISP की लाइन है डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनेट होगी, यहाँ से इनको एक्सटेंशन मिलेंगे एंड ये इंटरनल फिर एक दूसरे को हम इसके थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फिजिकल सर्वर्स वगैरह नहीं रहेगा, इसमें फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं, आप रिकॉर्डिंग वगैरह जो फीचर्स है वो यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, CUCM में हम कर सकते हैं, बट CUCM में हमें एक्स्ट्रा उसके लिए लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, स्टोरेज देना पड़ता है। तो टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और प्रोटोकॉल जो होते हैं कम्युनिकेशंस में, इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, VOIP है, SIP है, S232, ऐसे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं वो यहाँ पे टर्मिनेट होगी एंड इसके थ्रू फिर आपके जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन है उनको एक नंबर स्पेसिफिक असाइन किया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी आती है इसमें PSTN आर्किटेक्चर, यूज डिजिटल ट्रंक बिटवीन सेंट्रल ऑफिस स्विचेस, जो अभी अलग अलग ब्रांचेस हैं इनका जो कम्युनिकेशन होगा, इनके बीच में जो डिवाइसेस हैं उसमें जो कनेक्शंस हैं वो कैसे हैं, डिजिटल ट्रंक्स यूजेस एनालॉग लाइंस फ्रॉम फोन टू CO, CO मतलब ये आपकी कंपनी का ऑफिस या फिर सेंट्रल ऑफिस। तो इस तरीके से हम अलग अलग लोकेशन भी कनेक्ट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे 100 एक्सटेंशन है, यहाँ पे 100 IP फोन्स है, देन यहाँ पे 50 IP फोन्स है, तो इन दोनों का हमें कम्युनिकेशन करना है डिफरेंट डिफरेंट साइट से। तो कुछ कनेक्टिविटी रिलेटेड हम यहाँ पे डिवाइस यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटरनेट यहाँ पे भी है, इंटरनेट यहाँ पे भी है, फायरवॉल यहाँ पे भी है, फायरवॉल यहाँ पे भी है, तो फायरवॉल टू फायरवॉल हम साइट टू साइट इनका कनेक्टिविटी करेंगे, या फिर हम कोई अदर सॉल्यूशन यूज करेंगे जैसे कि MPLS नेटवर्क है या फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। साइट टू साइट मतलब दो ब्रांच हम कनेक्ट कर रहे हैं, सेकंड P2P नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये ISP प्रोवाइड करेगा, MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विच, ये भी IP, ये सारा सॉल्यूशन ISP प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हमें मंथली बेस पे चार्जेस देने पड़ते हैं,
फायरवॉल का जो होता है साइड टू साइड, यहाँ पे आप जितने भी डिवाइसेस हैं इन सारे डिवाइस का कम्युनिकेशन दूसरे कंपनी के डिवाइसेस के साथ में कर सकते हैं, बट इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्प्लीटली फायरवॉल के थ्रू हो रहा है। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये फायरवॉल के थ्रू होगा। फायरवॉल बंद तो फिर ये कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सपोज कुछ एक्सटेंशन है, कोई यूजर यहाँ पे बैठ रहा है इस लोकेशन पे, उसका एक्सटेंशन है 2045, उसे यहाँ पे कॉलिंग करनी है। सपोज यहाँ पे हमने कुछ अलग सीरीज यूज किया, 2123 वगैरह, मतलब 2100। तो ये यूजर्स जब कॉल करेगा इसको तो ये कॉल यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसे कुछ नहीं करना है, जस्ट ये एक्सटेंशन नंबर प्रेस करना है, कोई लैंडलाइन नंबर नहीं, एसटीडी कोड वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली वो एक्सटेंशन यहाँ पे टैग कर सकता है। तो ये जो कॉलिंग्स हो रही है, आपका जो इंटरनेट बैंडविड्थ है, जो डिवाइस है उसके थ्रू हो रही है, बट यहाँ पे जो एक ईपीपीएक्स वगैरह डिवाइस रहेगा या फिर सीयूसीएम सर्वर्स रहेगा, जो भी डिवाइस है उसका कम्युनिकेशन इधर के डिवाइस के साथ में पहले इस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड देन ये नंबर्स के थ्रू कॉलिंग होगी। तो ऐसे भी कंपनियां यूज करती है, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में हो तो आपको पर्टिकुलर कंपनी में एक सेपरेट सॉल्यूशन यूज़ करना है, दूसरी कंपनी में कोई सेपरेट सॉल्यूशन यूज़ करना है, दूसरी ब्रांच में भी अगर यूज़र है तो भी हम वहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें ऐसे कुछ सॉल्यूशंस यूज़ करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हमारे दो ब्रांचेस ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे। तो इसमें आप सारे डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर जो सर्वर्स है वो। तो ये होता है PSTN, कम्प्लीटली IP फोन टेक्नोलॉजीज है, टेली कम्युनिकेशन में आती है। तो इसके जनरली अलग अलग ओपनिंग्स होती है, अलग अलग पोजिशंस है, जहाँ पे ये बड़ा नेटवर्क रहेगा वहाँ पे इसके लिए डेडिकेटेड इंजीनियर्स होते हैं। तो जो मीडियम स्केल कंपनीज आती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको ये सारी चीज़ें डन करने की, तो उस टाइम ये कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है किसी को? हाँ नेटवर्किंग के हिसाब से या फिर जो सिलेबस है सिसिने के हिसाब से, इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है। जो हमारा कस्टम कोर्स है तो इसमें ये चीज़ अभी मेंशन है, तो इसलिए हम ये टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। बट सिसिने में IP फोन्स वगैरह जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है उसका प्रैक्टिकल हम कवर करते हैं, ताकि इनकेस फ्यूचर में जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, इनकेस वहाँ पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए इसके बैकएंड में ये सर्वर काम करता है एंड इसको एक्सटेंशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो कमांड बेस से वो पार्ट्स हम सेशन में कवर करते हैं, बट अभी जो है CUCM सर्वर्स उसके थ्रू ये कम्प्लीट कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स जो है यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस वगैरह। इस टाइप का ये कम्युनिकेशन होता है। और कुछ क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड? सिस्को के जो डिवाइस है इसमें मल्टीपल डिवाइसेस आते हैं, सिस्को स्पार्किट, सिस्को स्पार्किट प्लस, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के डिवाइसेस है, इनको भी एक्सटेंशन नंबर दिया जाता है, तो इस टाइप से ये काम करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसका। इसमें जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर जो भी ऑडियो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए होगा, एंड यहाँ पे जो सेंट्रलाइज ये कैमरा होता है वो एक्चुअली रोटेट करता है, जहाँ से भी वॉइस आ रही है वहाँ पे वो रोटेट होगा वॉइस सेंसर। तो इसे कहते हैं स्पार्किट प्लस, इसका एक डिवाइस रहेगा जो कि ये नीचे डिवाइस होता है, एंड टैप से हम जो भी कॉल करना है, कनेक्ट करना है, ये सब यहाँ से करेंगे। और ये है स्पार्किट, जो ये डिवाइस दिखा ये प्लस सॉल्यूशन है और स्पार्किट में ही आता है, जहाँ से भी आवाज़ आ रही है वहाँ पे ये डिवाइस जो है इसका जो कैमरा है वो उधर मूव होगा, एंड जो डिस्प्ले अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक स्क्रीन हमारी साइड की रहेगी, एक स्क्रीन यूजर एंड की रहेगी, डेस्टिनेशन एंड, तो हमारा पिक्चर यहाँ पे शो होगा, जो भी बात कर रहा है वो कैमरा ऑटोमेटिकली उसके तरफ मूव होगा एंड उसका पिक्चर कैप्चर करना स्टार्ट करेगा।
तो यार स्मॉल सिस्को का मीडियम मेन बिजनेस कौन सा है? सिस्को का ये टोटल ओवरऑल सारे बिजनेस है, ये डिवाइसेस प्रोडक्शन करना, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कोई भी कंपनी एक डिवाइसेस पे एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी एप्पल कंपनी है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है अभी? आईफोन। बट वो आईफोन पे ही काम कर रही है? नहीं, इसके साथ साथ उनके मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मैकबुक है, वॉच है, देन अदर ऑल भी डिवाइसेस आ रहे हैं मार्केट में। जो जो अपॉर्चुनिटीज उनको मार्केट में मिल रही है वो कंपनीज, अभी रेपुटेशन बनने के बाद कोई भी कंपनी उसको मिस नहीं करना चाहिए। सिस्को कंपनी जो बनी है ये छोटी छोटी कंपनियों को परचेस करके ही बनी है। इसमें लिंक्सिस नाम की कंपनी को परचेस किया, वेबेक्स को परचेस किया, ये सब अलग अलग कंपनियां थी। कैटलिस्ट स्विचेस नाम इन्होंने यही कंटिन्यू किया है। वेबेक्स एक सेपरेट कंपनी थी, लिंक्सिस एक कंपनी थी, एंड कैटलिस्ट एक सेपरेट कंपनी थी। बट ऐसे मल्टीपल कंपनियों को इन्होंने परचेस किया है एंड एक इनका एक ग्रुप बन गया अभी सिस्को। तो इन्होंने ये जो नाम है, जैसे वेबेक्स को हम अभी भी वेबेक्स नाम से ही यूज़ करते हैं, तो ये किस लिए? ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए। लिंकसिस ये स्विच की कंपनी थी, इसको भी इन्होंने परचेस किया। कैटालिस ये भी स्विच बेस्ड कंपनी थी, मैनेजेबल स्विचेस लेयर 3, इसको भी इन्होंने परचेस किया। जैसे अभी फेसबुक लॉन्च हुआ, फेसबुक में अभी व्हाट्सएप को परचेस किया, इंस्टाग्राम को परचेस किया, सेम ये चीज़ है, ऐसी चल रही है। तो सर ये मैन्युफैक्चर में करते हैं, मतलब स्विच या सिर्फ इलेक्ट्रिक डिवाइस फाइनलाइज करते हैं बाद में? मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर भी इनका काम होता है, जैसे कि हम अभी सिप प्रोटोकॉल मैंने बताया, वो सिस्को का खुद का उसने डेवलप किया प्रोटोकॉल है, EIGRP प्रोटोकॉल्स है। सर EIGRP भी है ना सिस्को का? सिस्को का है, ऐसे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है। पेनिट्री प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया, वो भी सिस्को का ही है। तो फिलहाल में अभी ये डेवलपमेंट्स का काम भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहे हैं। मार्केट में जैसे जैसे नई रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसके हिसाब से अभी ये काम कर रहे हैं। IoT के डिवाइसेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें अभी मार्केट्स में आएगी। अभी भी फिलहाल में ये चल रहा है, तो और भी डिवाइसेस मार्केट्स में आने वाले हैं। तो सिस्को जॉब भर रही है, क्या है? सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ये काम कर रही है एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चर भी कर रही है। अभी हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इनको आपके नेटवर्क में चलाना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ कम्युनिकेट करना है, नए नए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, या फिर जैसे ये होता है ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड, तो उसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना मतलब कोलेबरेट करना, जैसे कि हम एक साइड पे APBX चला रहे हैं, दूसरी साइड पे हमारा CUSM सर्वर है, तो इनको भी कोलेबरेट करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसका कम्युनिकेशन किया जाए, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करती है। तो ऐसे ये सॉल्यूशंस है, तो इसमें भी मल्टीपल कंपनीज हैं, किसी का कोई फिक्स प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अभी फायरवॉल्स में हम देखेंगे तो 48 का मैंने एग्जांपल दिया था, टोटल 56 प्रोडक्ट है, हार्डवेयर बेस है, सॉफ्टवेयर बेस है, जो जो ऑप्शंस उनको मिल रहे हैं उसके वो ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई अगर प्रोडक्ट फेल भी होता है तो भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू उनकी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होती रहती है। और कुछ क्वेश्चंस है? सर स्टार्टिंग का थोड़ा रिपीट करिए एकदम स्टार्टिंग में, बता था मेरे से मिस हुआ था, मैं ज्वाइन लेट कर पाया हूँ। स्टार्टिंग में जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो था हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, तो इसके जो डिफरेंसेस है वो हमने डिस्कस किए थे, ये था हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स। तो इसके डिफरेंसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, हब का जो पॉइंट हमारा हुआ था उस टाइम, तो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं हाफ एंड फुल डुप्लेक्स में?
बता आप सकता है? यस सर, वन वे कम्युनिकेशन, सर, हाँ बोलो। हेलो सर, सिंप्लेक्स भी होता है ना सर? सिंप्लेक्स होता है, मैंने वही एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, हाफ डुप्लेक्स के बाद फुल डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स भी। तो सिंप्लेक्स आपको इंटरव्यूज में ये नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज सिंप्लेक्स जो होगा यहाँ पे सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा। जैसे कि मॉनिटर सिग्नल रिसीव का काम है, तो वो सिग्नल रिसीव ही करेगा, कभी वो सिग्नल सेंड नहीं करेगा। सैटेलाइट का भी एग्जाम्पल हमने देखा था, तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज जो डिवाइसेस हम नेटवर्क्स में यूज़ कर रहे थे, ठीक है, स्पेशली नेटवर्किंग्स में, जैसे हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स के ऊपर वो काम करते थे। हाफ डुप्लेक्स में डिवाइस काम करता है हब, अभी फिलहाल में ये आउटडेटेड है, बट इंटरव्यूज में क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, तो इसके लिए ये टर्म्स पूछे जाएंगे। टोटल ओवरऑल जो मोड है वो तीन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा एंड रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल्स के तौर पे कंप्यूटर एक मॉनिटर के साथ में कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर सिग्नल सेंड कर रहा है, मॉनिटर वो रिसीव कर रहा है, एज आउटपुट वो हमें शो करेगा, बस उतना ही उसका टास्क है। मॉनिटर के थ्रू आप कोई इनपुट नहीं दे सकते कंप्यूटर्स को। तो ऐसे जो एग्जांपल्स है वो इसमें आते हैं सिंप्लेक्स में। अभी मॉनिटर अगर इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेंडर हो जाएगा। पर यहाँ पे सिंप्लेक्स में इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंडर हमेशा सेंडर का काम करेगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर का काम करेगा। हाफ डुप्लेक्स में वैसा नहीं है, अभी ये जो नोड है पर्टिकुलर कंप्यूटर, इसको डेटा सेंड कर रहा है, जैसे कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर ए डेटा सेंडिंग का काम कर रहा है, कंप्यूटर बी रिसीविंग का काम कर रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद इसकी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए, एंड देन उस टाइम कंप्यूटर बी इसको डेटा सेंड कर सकता है। तो दोनों कैसे इक्विवेलेंट है, अभी इसकी प्रोसेस चल रही है, बट उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, इक्विवेलेंट है। बट सिंप्लेक्स में क्या होगा, सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा। एंड फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को सेम टाइम डेटा भेज सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में एग्जांपल है हब एंड ऑडियो कम्युनिकेशंस के लिए वॉकी टॉकी, एंड फुल डुप्लेक्स में मोबाइल फ़ोन, जैसे हम कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं, दो यूज़र्स हो, तीन यूज़र्स हो, तो बीच में कोई भी यूज़र्स किसी को भी इंटरप्ट कर सकता है, बट हाफ डुप्लेक्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो हब जो है अभी फ़िलहाल में तो बंद है, बट हाफ डुप्लेक्स में यही एक एग्जाम्पल है, बाकी जितने भी डिवाइसेस है, स्विच, राउटर, हब, ये फायरवॉल, ये सारे फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस है। सर और कुछ क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक रिलेटेड? ओके, तो कल का टाइमिंग्स मतलब अभी तो मॉर्निंग में तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन प्रैक्टिकल रहेगा, 3 से 3.5 घंटे का प्रैक्टिकल रहेगा, तो उस टाइम क्लास तो पॉसिबल नहीं होगा। तो दोपहर में अगर आप अगर मतलब कंफर्टेबल है, तो उस टाइमिंग हम ले सकते हैं, या फिर दोपहर इवनिंग में में। कब सर? दोपहर में जैसे अभी 4 5 4 o'clock से मतलब कभी भी बोल सकते हो, बट उस टाइम क्या है, मेजोरिटी मतलब ज़्यादा लोग अवेलेबल होने चाहिए, बिकॉज अभी जो टॉपिक्स हमारे जैसे बचे हैं, डिफरेंस बिटवीन जैसे ये हुआ है पैकेट ट्रेसर का, एक हमें इसका जो डेमो है मतलब ये टूल्स कैसे काम करता है वगैरह, ये एक्सप्लेन करना है। देन सबमिटिंग्स, ये सबमिटिंग्स हम थोड़े इसको आगे पोस्टपोन करेंगे, एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन हम पहले लेंगे इसके, एंड देन सबमिटिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सबमिटिंग में कुछ प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दूंगा कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक टॉपिक्स है। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं पैकेट ट्रेसर रिलेटेड है, तो ये प्रैक्टिकल रिलेटेड रहेगा। अभी हमारा फिलहाल में जो भी पोर्शन डिस्कस हुआ है कि जो बेसिक नेटवर्क है, मतलब कंप्यूटर कैसे कनेक्ट करना है या उनका कम्युनिकेशन कैसे चेक करना है,
ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन पैकेट टेस्ट के थ्रू कवर कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना हम इसमें कवर करेंगे। बट इसमें कोई कमांड बेस, मैनेजेबल पार्ट्स, मैनेजेबल स्विच कॉन्फ़िगरेशन, राउटर स्विच कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट नहीं रहेगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली पार्ट स्टार्ट होता है एसएसएनए में। कमांड्स भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो अंडरस्टैंड नहीं होगी, बिकॉज उसके पहले का पोर्शन कम्प्लीट मिसिंग रहेगा। तो इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल से बेसिक वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन सबमिटिंग से रिलेटेड ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसमें से कोई एक टॉपिक या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग उस टाइम अवेलेबल होने चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू क्वेश्चन जो होगा, मतलब आप बाद में ऑनलाइन लेक्चर जो है इसको सुनोगे एंड देन फिर उसके बेस पे ही जितने क्वेश्चंस वहाँ पे प्रिपेयर होंगे या फिर डिस्कस करेंगे उतना ही कलेक्शन आपके पास होगा। तो एक क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी अलग अलग क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, आप लोगों को पूछूंगा एंड देन उसके आंसर हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रिलेटेड पार्ट्स हैं तो उसके भी जो डाउट्स हैं, तो फिर बाद में जो वीडियो लेक्चर आप देखोगे सुनोगे तो उसमें आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए अगर फिर ये अवेलेबल रहोगे उस टाइम तो बेटर रहेगा। तो इवनिंग सपोज 5 o'clock अगर हम टाइमिंग डिसाइड करते हैं, तो किसी को कुछ इश्यूज है टाइमिंग रिलेटेड? सर 4 बजे लीजिए, मतलब कोई प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी तो। बिकॉज बाकी लोगों को कुछ इश्यूज है, नो फोर ओ सर, क्लॉक पॉसिबल है? अगर है तो डायरेक्टली कह सकते हैं, थोड़ा मतलब हम आगे पीछे और टाइमिंग्स का एडजस्टमेंट करेंगे, बट एटलीस्ट 1 आवर तो भी वो हमारा सेशंस होना चाहिए। नो सर, कोई इशू नहीं। ओके, तो 4 o'clock हम कल ये प्रैक्टिकल्स का जो है वो सेशंस कवर करेंगे, आइदर प्रैक्टिकल और सबमिटिंग्स, इसमें से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसके बाद हमें स्टार्ट करना है, तो जो भी टॉपिक्स अभी तक हुए हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर रीड करो, इनके सभी भी कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है, किसी के कुछ नोट्स पेंडिंग हैं तो वो आप मेल पे रिप्लाई करो, मैं उसी पे रिवर्ट कर देता हूँ जो पेंडिंग टॉपिक्स है उसके रिलेटेड। सर आप पूरा सिलेबस जो है एक पर्टिकुलर फाइल में बनाकर दे सकते हो, मतलब जो भी आज तक तो पूरा मतलब हुआ है। अभी जो ओवरऑल सिलेबस है मेरे पास, मैं वो शेयर करूंगा, ठीक है? तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मैंने किया भी है, ठीक है? तो वो सिलेबस के हिसाब से ही हम अभी जा रहे हैं, तो सिलेबस जो है अभी मेरे पास में जो कस्टमाइज किया हुआ है वो मैं शेयर करता हूँ। नहीं सर, मतलब वर्क मटेरियल कह रहा हूँ, मतलब स्टडी मटेरियल एक वगैरह के पास होगा स्टडी तो। मटेरियल में जैसे पॉइंट्स मैं अभी बता सकता हूँ जैसे क्या क्या हुए, देन आपके उसके हिसाब से चेक करना है। अभी इसमें क्या है, कुछ न्यू ज्वाइनिंग भी है जिनका अभी लेट ज्वाइनिंग हुआ है, तो हो सकता है उनके कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तो स्टेप बाय स्टेप जो जो पॉइंट्स हुए वो मैं एक बार दिखा दूंगा हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एंड उसके ठीक रिलेटेड है वो। कुछ पेंडिंग्स रहेगा तो फिर वो बताओ, तो फिर मैं वो फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, चलेगा सर, थैंक यू। तो कल के टाइमिंग्स के लिए रिलेटेड किसी को कुछ इश्यूज नहीं है, राइट? नो सर, बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे तो फिर मैं आपको तो मेल करूंगा या फिर मुझे सर को कहना पड़ेगा, देन अगर वो कॉल करेंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर वो मतलब आपका मिस हो सकता है पोर्शन, तो इसीलिए फिर अभी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज नहीं है तो कल 4 o'clock हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर। तो जो भी टॉपिक्स अभी आपके पेंडिंग्स हैं वो आप एक बार चेक कर लो कौन से टॉपिक्स अगर पेंडिंग है, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझको रिप्लाई करो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, चलेगा, तो कल फिर से स्टार्ट करेंगे 4 o'clock। थैंक यू सर। वेलकम।